आज मैं आपको भारत की जलवायु के बारे में बताने वाली हूँ। किसी क्षेत्र विशेष के लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु विविधतापूर्ण है। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक ऋतु से दूसरे ऋतु में तापमान और वर्षा की मात्रा में काफ़ी अंतर है। अत्यधिक प्रादेशिक विविधता भारत की जलवायु की विशेषता है, क्योंकि ऐसी जलवायु विश्व में कहीं नहीं मिलती। भारत की जलवायु पर विषुव रेखा की निकटता कर्क रेखा के मध्य से निकलने कुछ भागों के समुद्र तल से काफ़ी ऊंचे होने तथा समुद्र से तीन और से देश के घिरे होने का प्रभाव भी पड़ता है। असम में भारी वर्षा होती है तथा यहाँ की जलवायु आर्द्र है। राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क है। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलों में जहाँ ग्रीष्मकाल के दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वहीं शीत ऋतु में जम्मू कश्मीर में स्थित द्राशैव कारगिल में तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। इसी तरह मेघालय व असम में 901,000 सेमी तक वर्षा होती है। वहीं उसी अवधि में राजस्थान के जलेसर आदि क्षेत्रों में लगभग 10-12 सेमी ही वर्षा होती है। धन्यवाद। आज हम लोग जानेंगे जल चक्र के बारे में। सबसे पहले जो तालाबों का पानी होता है वह भाप बनकर हवा में उड़ जाता है और ज्यादा मात्रा के होने के कारण वह बादल बन जाता है। उसके अंदरला हिस्सा गर्म होता है जिसके कारण वह बादल नहीं बनता और पानी रहता है। वह पानी बूंद के रूप में नीचे गिरता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र कहते हैं। ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। आज मैं आप लोगों को सर्दियों के विषय में एक कविता सुनाऊंगा। गई है गर्मी सर्दी है, ठंडा ठंडा मौसम लाई। सूरज की तपिश को ठंडा कर दे ऐसी देखो धुंध है छाई। गई है गर्मी सर्दी है, ठंडा ठंडा मौसम लाई। एसी कूलर हो गए हैं बंद, रातों की नींद भी हो गई हमें। पानी छूने से डर लगता है ऐसी देखो पड़ी है ठंड। रजाई कम्बल सब रख दिए हैं सब, अब तो निकाल ली है रजाई। गई है गर्मी सर्दी आई, ठंडा ठंडा मौसम लाई। धन्यवाद। नमस्कार मैम, शुभ संध्या। मैं हर्षा चौहान कक्षा 6 की विद्यार्थी में सेठ अहमद जयपुर स्कूल लखीमपुर खीरी से हूँ। मैं हिंदी वर्सिटी क्लास में हूँ। मेरा हिंदी वर्सिटी क्लास का टॉपिक है मौसम। भारत में 3 मुख्य मौसम होते हैं, जिनमें से मैं एक मौसम के लिए कविता गाऊंगी जो है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मी का मौसम है देखो, गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है देखो, गर्मी का मौसम है। सूरज दिन भर आग उगलता, गर्म हवा का झोंका चलता, दिन भर लगती बेचैनी, निकला सबका दम है। गर्मी का मौसम है देखो, गर्मी का मौसम है, बार बार लग जाती प्यास, अब तो भाई लस्सी छाछ आइसक्रीम कुल्फी खाने को देखो बड़े कदम है। गर्मी का मौसम है देखो, गर्मी का मौसम है, बिन पंखे रहना है मुश्किल, एसी हो तो फिर क्या कहना, घर में रहना ही अच्छा है, बाहर हवा गर्म है। गर्मी का मौसम है देखो, गर्मी का मौसम है, मौसम ने है आग लगाई, कुदरत का गुस्सा है भाई, गर्मी का कोहराम है क्योंकि पेड़ हो रहे कम है। गर्मी का मौसम है देखो, गर्मी का मौसम है। धन्यवाद मैम, बाय बाय। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धमा गुप्ता है और मैं कक्षा 7 बासित अमरजीपुरिया स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं और मेरे मित्र आप सबको रक्त और रक्तदान के बारे में बताएंगे, तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों,
मेरा नाम है रक्त और आज मैं आप सबको बताऊंगा अपने बारे में कुछ जानकारी ऐसी जो आप सबको पता होगी और कुछ जानकारी ऐसी जो आपको नहीं पता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा शरीर में हर जगह जाना जरूरी है क्योंकि मेरे ही अंदर सभी पोषक तत्व और ऑक्सीजन समाहित हैं। मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है फेफड़े, यकृत और पाचक तंत्र में शरीर के व्यर्थ पदार्थों को पहुंचाना। और हाँ, मेरे अंदर कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपको कीटाणु से बचाते भी हैं। रक्त के कई प्रकार के तत्व भी होते हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। चलिए इनके बारे में जानते हैं। अब प्लाज्मा, यह मेरे अंदर का एक पीला पदार्थ है जो मेरे अंदर ही समाहित है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा हिस्सा लेता है मेरे अंदर। इसका परसेंटेज है 55%। इसके अंदर पानी, नमक, एंटीबॉडीज, एंजाइम और प्रोटीन होता है। लाल रक्त कोशिकाएं, यह कोशिकाएं मेरे अंदर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेती हैं। ये मेरे अंदर 45% हिस्सा लेती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन होता है, जो मुझे ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेरा लाल रंग देती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन तक रहती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं प्रतिदिन नई बनकर नष्ट हुई कोशिकाओं को बदलती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं हड्डियों के अंदर एक नरम जगह पर बनती हैं जिसका नाम बोन मैरो होता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यह कोशिकाएं ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानी जाती हैं। यह कोशिकाएं हमें बचाती हैं बहुत सारी चीज़ों से, जैसे मच्छर, कीड़े मकोड़े और बाकी बीमारियों से। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बहुत सारी चीज़ों से आती हैं जिसको हीमोटोपैटिक स्टेम सेल भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स, जब भी आपके कोई भी धमनियों में घाव आ जाता है तो आपका शरीर प्लेटलेट्स को संकेत देता है, तो प्लेटलेट्स एक के ऊपर एक करके धमनियों को जोड़ देता है। हाँ, यही हूँ मैं। ये थी मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। धन्यवाद। आप सभी के सामने इस चित्र को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह चित्र हमें रक्त और उनके प्रकारों के बारे में बताता है। रक्त प्रकार रक्त की एक वर्गीकरण है जो रक्त की लाल कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों में कणिक अनुसार प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होते हैं। रक्त के चार प्रकार होते हैं। ए, यदि लाल रक्त कोशिकाओं पे सिर्फ ए अणु हो तो वह ए प्रकार का खून, जिसे अंग्रेजी में ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, होगा। बी, यदि लाल रक्त कोशिकाओं पर सिर्फ बी अणु हो तो वह बी प्रकार का खून, जिसे अंग्रेजी में बी ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, होगा। ए बी, यदि लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों अणु हो तो उन्हें ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप, यदि लाल रक्त कोशिकाओं पर ना ही ए और ना ही बी का अणु हो तो उन्हें ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो अब तक की चर्चा से हमने जाना कि रक्त के प्रकार क्या होते हैं और वो कितने होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आज रक्त एवं रक्त को बढ़ाने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। रक्त एक द्रव्य होता है जो हमारे शरीर के अंदर धमनियों द्वारा संचालित है। इसी के द्वारा हमें शरीर के सभी अंगों को पोषण मिलता है, जिससे सभी अंग कार्य करने में सक्षम होते हैं। रक्त मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, ओ ए बी ए बी। ओ ग्रुप, ओ ग्रुप को सर्वदाता भी कहा जाता है क्योंकि ओ ग्रुप वाला व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, परंतु यह ले केवल ओ ग्रुप के व्यक्तियों से ही सकता है। ए ग्रुप वाला व्यक्ति ए और ए बी ग्रुप वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, परंतु ले केवल ए और ओ ग्रुप वाले व्यक्तियों से ही सकता है। बी ग्रुप वाला व्यक्ति बी और ए बी ग्रुप वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, परंतु ले केवल बी और ओ ग्रुप वाले व्यक्तियों से सकता है। ए बी ग्रुप इस ग्रुप को सर्वग्राही भी कहा जाता है क्योंकि ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, परंतु ले केवल ए बी ग्रुप के व्यक्तियों को सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि रक्त को कैसे बढ़ा सकते हैं।
रक्त को बढ़ाने के लिए हम कुछ चीजों का रोजाना सेवन करके रक्त को बढ़ा सकते हैं, जैसे अनार, पालक, केला, सेब, संतरा आदि। दूसरा उपाय, रक्त को बढ़ाने के लिए हमें योगा, कसरत, ध्यान आदि कार्य भी करने चाहिए, क्योंकि यह सभी कार्य करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्रियाएं अच्छे से होंगी, जिससे रक्त तेजी से हमारे शरीर में बढ़ सकेगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मैं आपको बताऊंगा कि रक्तदान दिवस की शुरुआत कब से हुई और रक्तदान कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं और रक्तदान से क्या क्या फायदे होते हैं। विश्व रक्तदान दिवस पहली बार साल 2004 में मनाया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। दुनिया में खून की कमी की जरूरत और इस जरूरत के मुताबिक खून उपलब्ध ना होने यानी खून की कमी को पूरा करने के इरादे से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। रक्तदान कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में हो, उसका वजन 45 किलोग्राम या अधिक हो, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम प्रति देशी लीटर हो और वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसको कोई भी बीमारी ना हो, वो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन से आप लंबे वक्त तक जवा बने रहते हैं और स्ट्रोक व हार्ट अटैक से भी बचाव होता है। डॉक्टरों के अनुसार ब्लड डोनेट करने से शरीर में आयरन की मात्रा सही बनी रहती है। ब्लड डोनेशन से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। यदि आपको रक्तदान करना हो तो आप पहले किसी अस्पताल में जाइए, डॉक्टर से मिलिए, फिर वहां आपकी पूरी बॉडी का टेस्ट होता है, जैसे आपका वजन टेस्ट करेंगे, आपका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, सब चीज़ें चेक करी जाती हैं। ये भी देखेंगे कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको हार्ट की दिक्कत तो नहीं है। फिर आपका रिजल्ट आएगा, उसी रिजल्ट के हिसाब से आपको ब्लड डोनेट करना होगा और फिर डॉक्टर्स वो ब्लड अपने पास संभाल के रखेंगे ताकि वो ब्लड खराब ना हो। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। आज मैं आपको रक्तदान के बारे में कुछ तथ्य बताऊंगी। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 75% लोग रक्तदान करते हैं और इस भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1,20,00,000 लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें से केवल 30,00,000 लोगों को ही इसकी प्राप्ति हो पाती है। भारत में लगभग प्रतिवर्ष 20,00,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है रक्तदान की कमी की वजह से। भारत में 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है, जिसको हम ब्लड डोनर डे के नाम से जानते हैं। भारत में लोग रक्तदान करने से आनाकानी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन में कुछ वहम है। वो वहम कुछ इस प्रकार है, लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से उनके दिमाग व शरीर में कमजोरी हो जाएगी और उनके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। जहां भारत रक्तदान में इतना पिछड़ा है, वहीं कई देश रक्तदान में भारत से बहुत आगे हैं। जैसे नेपाल में प्रतिवर्ष 90% लोग रक्तदान करते हैं और ये तादाद थाईलैंड में तो 95% है। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप रक्तदान करने के काबिल हैं तो ज़रूर रक्तदान करें। धन्यवाद।